बाइबल में लिखा एली के बेटे थे जो याजक थे, और बाइबल में लिखा जब लोग परमेश्वर की भेंट लेके एली के बेटों के पास आते थे वो उन भेंट का गलत इस्तेमाल करता था। बाइबल में लिखा जब स्त्रियां उस तंबू में काम करने के लिए आती थी एली के बेटे उनके साथ कुकर्म करते थे और परमेश्वर इस बात से सख्त नाराज था। एली जानता था कि उसके बेटे पाप में है लेकिन उसने कभी भी अपने बेटों को डांटा नहीं, कभी भी याजक की कुर्सी से उन्हें नीचे नहीं उतारा। और एंड में क्या हुआ, लड़ाई हुई और दोनों बेटे और 30,000 लोग मारे गए। आपको पता है आपका पति चोरी करके वापिस आता है, आपको पता है आपका पति इस चीज में रिश्वत लेके वापिस आता है, अभी उसे रोको, बाद में वो छोटा पाप एक बड़े पाप में बदल जाए और परमेश्वर का क्रोध आपके घरों में हो। जो धर्मी व्यक्ति है पाप को देखे कभी चुप नहीं रह सकता। आपको पता है कुछ बहनों को, खासकर माओ को, पिताओं को नहीं, बाप को नहीं, माओ को पता है उनकी बेटी के गलत रिलेशन, माओ को पता है उनकी बेटी के बाहर प्रॉब्लम अफेयर चल रहा है लेकिन वो कभी नहीं बोलती। एक दिन आप रोएंगी क्योंकि आपने रोका नहीं, आप पाप के खिलाफ नहीं खड़े हुए, आपके हिसाब से आपको परमेश्वर से कम और आपकी लड़की ज्यादा प्रेम है। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं आप हमेशा पाप के खिलाफ बोलेंगे, आप कभी पाप को सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना प्यार मत करो एली की तरह अपने बच्चों को कि एंड में वो मर जाए और नरक में चले जाए। अगर अभी आप चप्पल उठा लेंगे तो शायद वो बाद में आपको स्वर्ग में नजर आएंगे अभी के साथ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं आपकी जिंदगी में, अगर आप सिर्फ अपनी जिंदगी को सही कर लें आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं, वो आपकी जिंदगी से खुद ब खुद जाते रहेंगे। एक मसीही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान तो दुश्मन है ही लेकिन अज्ञानता उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, पाप सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी फ्लेशली उसकी शारीरिक इच्छाएं उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका घमंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका बोलना उसका बुड़बुड़ाना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर अगर एली अपने बच्चों को समझाता कि पाप करना गलत बात है, अगर वो उन्हें तंग कर देता और उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट करके उन्हें हटाता, उन्हें शर्मिंदा रखता तो शायद वो सुधर जाते, शायद वो परमेश्वर के सामने मन फिरा लेते हैं और परमेश्वर को बोलते परमेश्वर हमें माफ कर, क्योंकि जब वो कुर्सी से नीचे आते शर्मिंदगी उनके जीवन में आती वो जरूर मन फिराते परमेश्वर के पास। लेकिन मन नहीं फिराया क्योंकि एली ने उन्हें कुछ नहीं कहा और शैमूएल को परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके बच्चों को खत्म कर दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया, उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया, उन्होंने भेंटों के साथ छेड़खानी की और उन्होंने उन स्त्रियों के साथ कुकर्म किया जो काम करने के लिए आती थी। और बाइबल में लिखा है लड़ाई हुई और वो दोनों खत्म हुए, एली भी उसी दिन मारा गया जब वो कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। काश एली ने समझाया होता उन्हें और अपने बच्चों की मौत को फिर वो अपनी आंखों से ना देखता। पाप देख के चुप मत रहो, आज सिखाओ अपने बच्चों को, आज सिखाओ अपने लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को। आमीन।